हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट। गाइस, यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए नया एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट करा जा रहा है बहुत सारे रीज़न में। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन अगर अवेलेबल है आप अप्लाई कर दीजिए और कहीं से भी रेलवे का अप्रेंटिस करके रखिए। मैं भी अभी, मेरा भी 4 महीने हो गया है अप्रेंटिस कर रहा हूँ और कुछ दिन बाद वैकेंसी भी आएगा। ठीक है, आप कहीं से भी अप्रेंटिस करके रखिए रेलवे का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक अप्रेंटिस अप्लाई नाउ। यहाँ पर देखिए, दिखाई तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 अप्रेंटिस पोस्ट 2026 पोस्ट में नोटिफिकेशन आउट किया गया है NWR का। ठीक है, आप इसी वेबसाइट में जाके चेक भी कर सकते हैं, NWR.indianrailways.gov.in। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा और RRB का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, आपको ITI पास होना पड़ेगा और उसका 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका माध्यमिक का बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट करा जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस करा जाएगा। यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन RRC 3022 NWR और पोस्ट नेम एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, डिवीज़न है रायपुर और टोटल वैकेंसी देखिए 2026 पोस्ट में, लास्ट डेट है 10/2, ये एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, ये एक्सटेंड होके नेक्स्ट महीने 10 मतलब और कुछ ही दिन बढ़ गया होगा, 31 तक बढ़ गया होगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, 50% मार्क्स ITI में प्लस 10th का रिजल्ट से आपका मतलब मेरिट निकलता है। ठीक है, एज लिमिट 15 से 24 साल तक। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया पहले ही। एप्लीकेशन फ़ी ₹100 होने वाला है, SC ST वाले के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और लोकेशन है जयपुर और आपका पोस्ट है 2026 पोस्ट। ठीक है, थैंक यू। और ज़्यादा कुछ इधर नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिएगा और उसका प्रिंट आउट आपके पास रख दीजिएगा और जब उसका मतलब मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी एक वीडियो देंगे मैं और आपको इन्फॉर्म करा दूँगा। ठीक है, उस टाइम आपका मेरिट लिस्ट चेक करके फिर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं रेलवे अप्रेंटिस में। ठीक है।